विनीता के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं अंक ज्योतिष में मूल्यांक 6 की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, वह सभी जातक मूलांक 6 के होते हैं। मूलांक 6 के स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव सौंदर्य, भोग विलास और प्रेम के कारक हैं। जिन भी जातक या जातिकाओं का मूलांक 6 होता है, बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। उनका जीवन भौतिक सुख में ही, वो अपने जीवन का सभी सुख भौतिक सुख में मानते हैं। बहुत खुश मिजाज होते हैं, दीर्घायु होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। आप उनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। जो लोग शुक्र प्रधान होते हैं, उनको साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। वो अपने घर को, अपने कमरे को, अपने कपड़ों से लेके अपने आप को सजने संवारने में भी बहुत समय व्यतीत करते हैं, बहुत समय खर्च करते हैं अपना उस पर। वो हर चीज़ ब्रांडेड पहनना चाहते हैं, हाई स्टैंडर्ड की पहनना चाहते हैं, खूबसूरती हो जिसमें, जो लग्जरीज हो, जो दिखने में भी दिखे, उनको ये सब पसंद होता है। शुक्र प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, जातक या जातिकाएं होती हैं, उनका अपने अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान होता है। अगर लड़का है तो उसका लड़की के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और अगर गर्ल है, फीमेल है, तो उनका मेल के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। बहुत ज़्यादा खुशमिजाज होने के कारण अपने परिवार में, समाज में लोकप्रिय होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया चलता है। पर अगर कहीं उस जीवन में छोटी सी भी चिंगारी, अविश्वसनीयता की आ जाए, मतलब कहीं विश्वास खत्म होने लगे, क्योंकि शुक्र आपको गाइड, मतलब शुक्र आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है आपके नंबर का, तो आप लोगों का, अगर आप मेल पर्सन है तो आपका फीमेल से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट होगा, फीमेल से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना होगा। और अगर कहीं वो मिलना जुलना, कहीं छोटा सा भी एक विश्वास खत्म हो जाता है, तो उस समय आपका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद हो जाता है। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहता है। आर्थिक स्थिति आपकी, आपके खर्चे पे डिपेंड होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा भोग विलासिता पे, अपनी लग्जरीज पे, अपने घूमने फिरने पे, अपने शॉपिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, जो कि हमारी इनकम से भी ज़्यादा है, तो हमारी आर्थिक स्थिति नीचे जाने लगती है, खराब होने लगती है। वैसे तो इनका शिक्षा में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, पर ये अपनी मेहनत से बहुत अधिक पढ़ाई करते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं। आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। शारीरिक तौर पे तो ये बहुत मजबूत होते हैं, पर आत्मिक तौर पे ये कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। इनको ज़्यादातर जो दिक्कत होती है, वो नाक से रिलेटेड हो सकती है, गले से रिलेटेड हो सकती है, फेफड़ों में कोई परेशानी आ सकती है, या इनको गुप्त रोग होते हैं। शुक्र प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, वैसे तो परिवार के साथ बिल्कुल सही रहते हैं, पर कई बार जब इनको ये जो सफाई, बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होती है, तो इससे भी इनके कई बार पारिवारिक मतभेद हो जाते हैं। तो शुक्र के जो लोग हैं, अगर उनको बिजनेस करना है या जॉब करनी है, तो उनमें सबसे बेस्ट उनके लिए है आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर की लाइन अच्छी होती है, अच्छे लेखक होते हैं, होटल लाइन अच्छी है, कपड़े का व्यवसाय कर सकते हैं, खाने पीने का व्यवसाय कर सकते हैं। तो अब 6 नंबर के जो जातक हैं, उन्हें अगर जीवन में लगता है कि कहीं परेशानी आ रही है, तो दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें, तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नमस्कार, जय माता दी।